मालशिया में ब्रो लाया है, जो जो है ना तेल लगाएगा उसको ऐसे किया था शेक के, नहीं सही सही बता कर ना। दिया था तो अभी ये मेरे सर पे जो है ना आगे तेल लगाना, लगाता है। बस ये हाँ पूरे सर लगा पे दो, लगाना, पूरे सर पे ही लगा देना बेशक, लगा दो बस। आहिस्ता भाई शब्बत आहिस्ता। तो कर रहा है। हाँ जी भाई, तो शाम का टाइम हो चुका है और मैं अपने भाई को अपने सुशील हाथों के साथ, ये जो कैमरा मैन बना हुआ है, इसको खिलानी है बोनलेस हांडी, मखनी बोनलेस हांडी। उसके लिए हमने ऑलिव ऑयल निकाल चुके हैं। जी भाई क्या कर रहे हो आप? वैसा कुछ भी नहीं, सबस जो है ना हरी मिर्चों को जो है कूट रहा हूँ ताकि वो जो है ना हांडी के अंदर डलेगी। यहाँ पे प्याज मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए थे, आप रहा लोगों को नजर आ ही जाएगा। और साथ में जो है ना वहाँ पे बाकी चीजें मैंने चॉप करके रखी हुई हैं, अब बस वेट है कि ये प्याज बॉईल हो जाए। ठीक है, और यस तो भाई अभी हमारा प्याज जो है बॉईल हो चुके, इसके अंदर हम डालेंगे आधा किलो दही, ठीक है, ताकि थोड़ी सी जो है ना ग्रेवी हो। हमने रेड टमाटो वाली, ओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ठीक है, आ तरी चुका आ गई है। हाय 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 हाय, अभी इधर टेस्ट भी तो करके देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वुफा नेशन। कैसे हो आप सब? मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्लाह ताला के रहमत और करम के साथ हूँ। भाई डे टू सर्वाइवल हमारा शुरू होता है वो इसलिए क्योंकि माँ बाबा घर पे कोई नहीं है और हम वैसे तो हेल्पर है, मगर हमने कहा आज से तो हमने खुद का अपना पंगा लेना है। ठीक है, ये भी आज जो है मदद करेंगे मेरी, आज जो है नाश्ता भाई के साथ खाना मेरे सारे है ना, तो नाश्ता जो है ना भाई साहब बनाने लगे हैं। मैंने जो है, बल्कि मैं सोया हुआ था तब जो है इन्हें बोनलेस निकलवा के जो है ना मेड से रख दिया था, क्योंकि शाम को जो है मैंने बनानी है बोनलेस हांडी, क्रीमी बोनलेस हांडी बनानी है। यार ऐसे ना फाड़ना, तरीके से जो है ना चीज़ इस्तेमाल करना ताकि फटी रहे। और मुझे तो ऑमलेट के अंदर टमाटर भी पसंद है, मगर मुश्तबा खाता कोई नहीं है तो इसके लिए फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो आज जो है भाई साहब आपकी कैसी फीलिंग है, आज आप नाश्ता बनाएंगे? हाँ नहीं, मेरे लिए तो पहली दफा ही बना रहे, सही बात है कि नहीं? और अगर पीछे से मामा ने देखनी है ना व्लॉग में कि ये दरवाजा खुला हुआ है फ्रिज का, तो सीधा कॉल पे गालियां ही पड़ेंगी, क्योंकि उनको सख्त चिढ़ होती है कि कोई मच्छर चला जाएगा, कोई चीज ना अंदर चली जाए, तो फायदा कोई नहीं। क्या लाल मूली डाल दो? लाल मूली वगैरह नहीं, प्याज काटना है और हरी मिर्च काटनी है, धनिया, पुदीना, धनिया डलता है? धनिया नहीं डलता ऑमलेट में? अच्छा पता नहीं यार, मुझे तो याद पड़ा है। तो अभी भाई ये सारी चीजें काटेंगे। देसी घी में बनाना है ना? नहीं ना यार, इंज नहीं कीता था ना मेरे नाल, इंज नहीं कीता था। क्या ब्रेड देखो भाई, ये भाई अंधे तो नहीं हो, सामने पड़ी हुई है, अभी फ्रिज खोला है तो फिर मेरे से वही सवाल पूछ रहे हो, ब्रेड पड़ी हुई है देखो यहाँ पे जो है। हम अपना जरा ब्लैक कॉफी पर ना लेते, बल्कि ना ग्रीन टी पी लेते हैं सुबह सुबह। ग्रीन टी, ग्रीन टी, ग्रीन टी, टपाल की जो है ना हम पियेंगे ग्रीन टी। पहले डिस्पेंसर से कैटल के अंदर जो है ना जरा पानी भर लें हम, और फिर जो है ना ये अगर गिर गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, ऐसे जो है ना इसको भर लेते हैं। तब तक भाई प्याज काटेगा, हरी मिर्चें काटेगा, फिर उसका ऑमलेट बनेगा, ऑमलेट बनेगा वो हम खाएंगे, क्योंकि अभी बजे हैं 1:30 बजे, तो थोड़ी देर पहले ही सो के उठा था मैं 12:30 के आसपास, क्योंकि रात को लेट सो रहा था, टीवी शीवी देखता रहा। फिर जो है, बल्कि आज अम्मी की बर्थडे भी है, मगर अम्मी यहाँ पे हैं कोई नहीं, वेस्ट तो कर दिया था उनको टेक्स्ट के ऊपर, वो भी सो रही थी, वरना मेरा था मैं वीडियो कॉल पे लेता साथ में व्लॉग बनाता, मगर वो हो नहीं सका था। आए हाय 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 हाय, क्या बात क्या बात क्या बात है, प्याज धोया था कि कोई नहीं धोया था? और तुम जैसी आवाम इतना प्याज जो है ना ज़ाया भी करती है, ये देखो ज़रा अभी इसको। तो यहाँ पे हमारी ग्रीन टी तैयार हो रही है, साथ में हमारा ऑमलेट और ब्रेड तैयार हो रहा है। हाँ जी, वैसे कब, कितनी देर लगेगी नाश्ता? 5 मिनट बस, गरम करो। चलो वो तो जला लो ना, चूल्हा चूल्हा जला लो। ब्रेड यार टोस्टर में खानी है? टोस्टर खराब हुआ है। नहीं ठीक नहीं है? नहीं यार, वो कैसे खराब हुआ है? यार मैं तो नाश्ता इसलिए करता हूँ कि टोस्टर में, बाबा लेके तो गए थे टोस्टर। चलो जी, या मुझे टोस्टेड ब्रेड पसंद है, या मैं फिर जो है ना इसी तरह की खाता हूँ, मेरे से वो तवे वाली नहीं खाई जाती, मुझे पसंद ही नहीं है तवे वाली ब्रेड, वो सेक के बड़ी वो जो है ना सॉफ्ट सी बन जाती है। तो आपके भाई के बस की बात नहीं है,
फिर अभी नाश्ता करते हैं, ये भाई साहब यहाँ पे जो है ना जरा कर लें। भाई वैसे तो कर लेते हैं मगर चूल्हे वाला काम जो है ना मैं खुद कर रहा हूँ यहाँ पे, इसकी जो है ब्रेड वगैरह वो कर रहा हूँ। इसके अंदर यार अंडा जो है ना वो तोड़ के एक और डाल दो और इसको जो है ना बीट कर लो बस, ठीक है। ओए देखो नीचे वो नहीं, सारा नहीं, उसका योग निकल निकाल लो पहले सारा। और यहाँ पे मैं जरा जो है ना इसके ब्रेड के पीस जो है ना वो सेक लूँ इससे पहले कि सड़ जाए, बचत हो गई है वैसे और ना अभी साड़ी जाने थे। पेट में ये है नहीं इतने इतने ठीक है, अगर ये नीचे से सेक गए बस ये देख लो इतने इतने काफी। चलो भाई इसको यहाँ पे रख देते हैं और इसका नाश्ता जो है ना तैयार कर लेते हैं। पहले ठेक था ना, हाँ अब सही है, सेट करो करो नाश्ता करने लगे हैं अब हम। नाश्ता जो है भाई हम कर चुके हैं, यहाँ पे जो है ऐसी CID वगैरह लगाया हुआ था जो कि हम देखते नहीं है, जब हमें कुछ समझ ना आ रहा हो तब हम जो है ना बस देखना शुरू कर देते हैं और उस दरम्यान में भी हमें बस स्टोरी जो है पता कोई नहीं होती, फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं और साथ में बातचीत कर रहे होते हैं। अभी ये मैंने प्रोफेशनल एक मालशिया बुलाया है, क्या प्रोफेशनल मालशिया बुलाया है जो जो है ना तेल लगाएगा, उसको ऐसे किया था शेक के नहीं सही से बताना कर दिया था, तो अभी ये मेरे सर पे जो है ना तेल लगाता है। हाँ लगा दो पूरे सर पे लगा देना, बेशक लगा दो बस आहिस्ता भाई आहिस्ता, सबर तो कर, तमीज़ नहीं है तुम्हें अपने बड़े भाई से बात करने की। हाँ रात को रोटी कोई नहीं मिलेगी, तुम्हारी पनिशमेंट है। क्या लाओगे? मेरे लिए भी ले आना, प्यार चाहिए मेरे लिए भी ले आना यार। आए आहिस्ता 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 मुश्तबा आहिस्ता यार आहिस्ता, सारे अब मेरे हाथ में सस्मल नहीं जाने, बस कर दे भाई खुदा की कसम। चक्कर आ रहे हैं मुझे ये भाई नमूना क्या, ये देखो ये क्या कर रहा है मेरे सर के साथ। बस अभी ऑयल लगाएंगे फिर फ्रेश होंगे फिर जो है व्लॉग अपलोड करेंगे, उसके बाद हमने शाम को नहीं प्रोग्रेस तो है यार, तुम बस अपना काम करो चुप करके, माथे पे बाल आ जाएंगे, चुप करो काम करो यार जल्दी करो जल्दी, ठीक है इसमें। हाँ इधर भी और उधर भी बोल्डनेस के ऊपर भी करना है। हाँ जी बोल्डनेस के ऊपर भी यहाँ यहाँ अच्छा, पे माथा कौन ना मुझे माथा एब नॉर्मल। अभी क्या टाइम हो चुका है, 3 बजने वाले हैं, ये काम ख़त्म करते हैं फिर जो है हम ब्लॉग एडिट करेंगे। सोना कितने बजे उठोगे? 6-7 बजे। 6-7 बजे नहीं बेटा 5:30-6 बजे तक उठ जाएंगे, खाना मैंने फ्रेश होना खाना बन जाएगा, रोग नहीं ना ना आप ही लाओगे? नहीं मैं ही लाऊंगा, फिर कौन लाएगा? आप लाओगे बेटा खाना भी मैं बना यार, मैं बड़ा पूरा हफ्ता बाइक चलाता हूं गाड़ी पे चले जाना इतने आप अच्छे हॉट एंड स्पाइसी का रोगनी नान ले आना जाके, आप लाओगे? आप मैं नहीं लाऊंगा, कॉल पे मंगवा लेंगे, पैसे दे देना फिर। हां तुम कार्ड अपना दे देना मैं तुम्हें ट्रांसफर मार दूंगा, ये सही शुगर पकड़ा रहा शुगर क्या भाई, पैसे देता हूं इसको मैं, कल के पैसे नहीं दिए मैंने तुम्हें, अभी तो मैंने लुकमान ही लिया था तो पैसे पहले मैंने दे दिए थे, गालियां दी थी कल, बस बस फजूल आदमी। हाँ जी भाई तो शाम का टाइम हो चुका है और मैं अपने भाई को अपने सुशील हाथों के साथ ये जो कैमरा मैन बना हुआ है इसको खिलानी है बोनलेस हांडी, मखनी बोनलेस हांडी, उसके लिए हमने ऑलिव ऑयल निकाल चुके हैं हेल्दी के है, हाँ साथ में जो है काली मिर्च नमक वगैरह, सिर्फ दही आने वाला बाहर से और बाद में हम रोगनी नान के साथ उसको खाएंगे, मगर अभी हमारा पहला काम ये है कि हमने जो है ना जरा बोनलेस करना है। ये अदरक और लहसुन किसने छीला? हाँ ये भाई साहब ने छीला है भाई, ये मुश्तबा साहब ने छीला है लहसुन और अदरक, और अभी हम जो है ना यहाँ पे बोनलेस कट करके इसके चंक कर रहे थे। वैसे अमूमन जो है ना जो बोनलेस हड्डी बनती है वो ज्यादा मजे की बनती है थाए की, अब थाए का बोनलेस मुझे लाना पड़ना था और चेस्ट का जो है ना वो पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा क्यों ना जो है सिर्फ चेस्ट का बना लिया जाए क्योंकि चेस्ट पीस आपके भाई को पसंद जरा बॉडी चेक कराओ, ये भाई उठा के दिखाओ ना जरा, ये देख लो भाई, और ये भी बनानी है, छोड़ना कुछ तो नहीं भाई, अभी बनेगा ना, अभी हम जरा अपने हिसाब से जो है कटिंग कर रहे हैं क्योंकि गोश्त जो है चिकन गोश्त तो इसको कहना नहीं बनता, चिकन जो गोश्त ही है, नहीं चिकन जो है ना चिकन नरम हो चुका हुआ था हमारा, तो मैंने कहा क्यों ना उसकी जो है चंक्स कर लिए जाए ताकि जो है ना बाद में हांडी बनाना आसान होगा। और अभी ये जो कैमरा मैन है ये जाके हमें दही ला के देंगे और जीरा लेके आना, हाँ और जीरा लेके आना, जीरा पता नहीं घर में कहीं होगा और अम्मा का फोन मिल नहीं रहा तो इसलिए हमने किया भी नहीं,
हम बाहर से जो है ना जाके जीरा अपना बंदोबस्त आप कर लेंगे। चलो अब तो और भी बड़े काम है, जल्दी करो। चलो फिर जो है ना आपको इंटरवल के बाद मिलते हैं, जरा हम कटिंग वगैरह कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है ना बोनलेस भी कर लिए कट, और साथ में जो है ना प्याज भी चॉप कर लिए। अब इन प्याजों को मैं बॉईल करूँगा, क्योंकि मैंने इसको फ्राई नहीं करना, गोल्डन नहीं करना, उससे जो है ना वो रंगत चेंज हो जाती है। बॉईल करके और बाद में जो है ना इसका मसाला बनाएंगे। मैंने यहाँ पे लहसुन और अदरक की फ्रेश पेस्ट भी बना ली है। वैसे जो है हमारे घर में लहसुन और अदरक की ना पेस्ट बना के अम्मी रखती हैं, वो मैंने यूज़ नहीं की, क्योंकि जब अगर मैं खाना बनाऊँ ना तो मैं ताज़ा ही यूज़ करता हूँ। उसका टेस्ट और दूसरे के टेस्ट में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क आता है। तो अभी बस ये जो है ना इसको हम पानी में डाल देंगे और इसको कर लेंगे बॉयल, ताकि जो है ना हमारी चीज़ें हो सकें रेडी। और ये प्याज़ों को जो है ना बस अब हम जो है ना बॉयल करने के लिए रख देते हैं। नॉन स्टिक पैन में एक ही बर्तन जो है ना गंदा करूँगा, ताकि इतने बर्तन भी ना गंदे हों हुए। और ज़रा मैं जो है ना इनको रख लूँ इसके अंदर बॉयल होने के लिए। जी भाई क्या कर रहे हो? वैसा कुछ भी नहीं, सबस जो है ना हरी मिर्चों को जो है कूट रहा हूँ, ताकि वो जो है ना हांडी के अंदर डलेगी। यहाँ पे प्याज मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए थे, आप लोगों को नजर आ ही जाएगा। और साथ में जो है ना वहाँ पे बाकी चीजें मैंने चॉप करके रखी हुई है, बस वेट है कि ये प्याज बॉयल हो जाए। ठीक है, और दो चार मिनट की बात है, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है, बस नरम ही करना होता है। और साथ में जो है ना ये हरी मिर्चों को जरा खोटा लगा रहे हैं, ताकि ये जो है ना खुल जाए, क्योंकि हमने भाई क्रीमी वाइट कढ़ाई बनानी है। तो यार इसको क्या देख के करोगे ऐसा? नहीं, पीस अच्छे लग रहे हैं ना। तो हमारी जो है ना कढ़ाई तैयार हो रही है भाई, ये हमारा डे सर्वाइवल नंबर टू है। कल जो है होपफुली संडे वाले दिन मामा आ जाएगी, आज पापा की बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे मामा। आपको मैं सुबह से कॉल कर रहा था, आपकी कोई कॉल का रब्ता नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ पर आप हैं वहाँ पे सिग्नल जो है ना वो कोई नहीं मिल रहे थे। मेरी बाबा से वैसे बात हो गई थी, तो शाम को जो है ना अब आपको मैं कॉल करूँगा 8-9 बजे के करीब करीब, जब आप वापस पहुँच जाएंगे, फिर आपको जो है ना बर्थडे विश होगी, क्योंकि रात को भी आप लोग सो चुके हुए थे। बस आपकी औलाद ये कर रही है लाहौर के अंदर, और तो कुछ भी नहीं। रेस्टोरेंट का खाने का मूड कोई नहीं हो रहा था, वैसे तो खा सकते थे, कल रात को भी हमने मंचिंग की थी। तो बस अब वेट है यार, भूख लग रही है कि नहीं लग रही? खाना नान तो अभी तक हमसे रोगिनी नान ही डिसाइड हो रहे हैं। वैसे हम हॉट एंड स्पाइसी से रोगिनी नान खाना पसंद करते हैं, और ये भाई साहब कह रहे हैं नहीं जेस्ट का नान अच्छा है। तो आप ले आना जहाँ से लाना होगा। अब देख लेते हैं हॉट एंड स्पाइसी का नान खाते हैं या कहाँ से। मैंने कहीं नहीं जाना, आप ही जाएंगे सर। हाँ मैं ही जाऊँगा, पता है। यस तो भाई अभी हमारा प्याज जो है बॉईल हो चुके, इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 किलो दही। ठीक है, ताकि थोड़ी सी जो है ना ग्रेवी हो, हमने रेड टमाटो वाली तो ग्रेवी करनी नहीं है, सारा ही दही जो है ना हम इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है ना इसके अंदर हम वहाँ से पकड़ेंगे चिकन जो हमारा बोनलेस हुआ है। वो अगर कैमरा मैन लेके आ सकते हो तो जल्दी लेके पहुँचो यहाँ पे, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, ले आओ भाई। ले सर। और अभी जो दो नंबर शेफ, हमारा चिकन भी जो है ना इसके अंदर जाने लगा, सब कुछ हम इकट्ठे ही डाल देंगे और फिर ही इसको पकाने शुरू करेंगे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पता है क्या है? वो है ऑलिव ऑयल जो हमने यहाँ पर डाल के रखा हुआ है। इसकी मैं एक्सपायरी पढ़ रहा था, ये बेस्ट बिफोर दिसंबर है, इसको सारा ही डाल दो, सारा ही डाल दो इसके ना। अभी हम अपने हिसाब से डालेंगे, फिर भुनाई करते हुए ना वो अपना भी बाद में छोड़ेगा। हाँ वही कह रहा हूँ ना, थोड़ा सा अभी डालते हैं, इतना काफ़ी है। ठीक है, ये आप लोगों के सामने ही है भाई, और बाद में जो है ना फुर्तियाँ चेक करो। इसके अंदर है लहसुन अदरक और ये कुटी हुई सब्ज मिर्चें हैं, ये भी चली जाएंगी कट्ठी कट्ठे, सब कुछ इकट्ठे। ऑल इज वेल ही होगा भाई। जब आप खाओगे ना तब आप भाई को याद करोगे कि कोई चीज़ जो है बनाई थी आपके भाई ने। हम चूल्हा जला लें, क्योंकि हमने अभी चूल्हा नहीं जलाया था, LPG सिलेंडर है भाई, तो हम जो है ना उसको सेव करते, बाद में जो है ना हम रखते हैं। अब इसके अंदर जो है ना, हाँ जी, हम लोग साथ साथ जो है ना डाल देते हैं काली मिर्च और नमक। काली मिर्च बेसिकली इसी में है, ठीक है, ये वाली सारी डाल लेते हैं। ठीक है, और नमक डाल लेंगे। ठीक है, ये एक ही चमचा बनता है अप्रॉक्सीमेटली। यस, बहुत सारी काली मिर्च भी अंदर गई है। ठीक है, उनको नजर आ रहा है, नमक तो रह गया भाई, नमक भी तो डालना है, कम डालना है नमक यार, अपने टेस्ट बड के हिसाब से। मैं थोड़ा नमक कम ही खाता हूँ, सारे कम खाते हैं घर में।
इतना इतना काफ़ी है नमक। यस ठीक है, आज जो है ना हम इसको पकने के लिए रखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या थी यार, प्याज। तुम सो रहे हो हैं, तो ये प्याज जो है ना बॉइल करके हमने यहाँ पे, शेफ मैं हूँ आप हो, प्याज जो है अंदर जा चुके हैं भाई। आप जरा शक्ल दिखाओ इसकी, अभी क्या शक्ल निकलनी है, अभी तो भाई तैयार होना है सब कुछ। और ये जो है ना इधर ही अभी पड़ा हुआ क्या, ऑलिव ऑयल। अच्छा ठीक है, हम जरा इसको घुमाटो दे देते हैं। घुमाटो नॉन स्टिक ही यूज करेंगे क्योंकि लकड़ी वाला यूज करते ज्यादा बेहतर था। लकड़ी वाला क्यों, जितना लोड है ना ये ना घुमाते हुए टूट जाए, फिर अक्कल होनी चाहिए। चलो भाई दोनों ही यूज कर लेते हैं, इसको खंगाल लेते हैं। और चूल्हे की आंच जो है ना हम थोड़ी थोड़ी करना शुरू करते हैं तेज, ताकि भाई हमारी जो चीज़ें हैं ना जरा वो सही तरीके से। जीरा मंगवाया था मेरे से, वो अभी बुनाई करते हुए डाल, फाइनल स्टेजेस। ये देखो सॉरी मगर अब छींक आ गई है, क्या कर सकते हैं। तो ये जब अभी तैयार होगा ना या बुनाई के टाइम आएगा क्या, तो भाई क्रीमी हांडी तो इसी तरह की बनती है ना। अच्छो कॉपी जब तुम खाओगे ना फिर पूछूंगा, फिर रिव्यू देना, ऑनेस्ट रिव्यू। नहीं मैं नहीं देता, मैं खाता हूँ ना। वैसे क्या नहीं खाना, मैं खाता हूँ सिर्फ, खाता हूँ सिर्फ। अब जो है ना चले हम आपसे बाद में मिलते हैं फिर, जब इसका कुछ कर कर आके ना। ठीक है जी, हांडी जो है भाई साहब हमारी अप्रॉक्सीमेटली तैयार हो चुकी है, ये आपके सामने है। बस इसका पानी सूखेगा, भुनाई करेंगे, और क्रीम का पैकेट जो है ऑलपर्स का हमने तैयार कर लिया है, वो इसके अंदर डालेंगे। तो अभी बस जो है ना वेट है, मुश्तबा को कहा है यार तुम जाके रोगनी नान पकड़ा, फिर जो है ना हम मज़े मज़े से खाना खाते हैं। बनाया ये जो है ऑलिव ऑयल के अंदर गया, बस वेट ये कर रहे हैं कि यार इसकी ज़रा हम जो है ना भुनाई शुरू करें, फिर एक दफ़ा आप जो है ना फाइनल टच आपको दिखाएंगे जो इसकी शक्ल निकलती है। मगर टेस्ट वाइज बहुत कमाल है, अब आप लोग तो कर नहीं सकते तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। हांडी जो है वो तैयार हो चुकी है, बस मैंने हल्की फुल्की सी ना तरी के लिए इसको रखा था कि जो थोड़ी बहुत जो ऑयल ऊपर आएगा ना उसके लिए, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा तरी तो खाता नहीं। तो बस नान जो है रोगनी नान आ चुके हैं, आप उसके साथ खाते आ जाओ, ज़रा शक्ल तो देखें, आ जाओ। नहीं आप निकलेगी ना शक्ल, अमूमन इसको जो है 5-10 मिनट पड़े रहने देते हैं, या तो 5-10 मिनट पड़े रहने दो या ऐसे ही निकाल लें, बता दो क्या करना चाहिए। नहीं आप भी तो बताओ, आपने बनाई है सर, आपको नहीं खाना भी तो है ना। अमूमन यहाँ से कुछ नजर तो आ नहीं रहा सवाए वाइट वाइट के, देखे साइड से खोल के, फायदा नहीं है, या तो उठा लो या तो सब्र कर लो यार, क्या करे, भूख भी लग रही है वैसे तो। खा लो क्या, खा लो एक, यहाँ पे तो आओ टेस्ट तो करते हैं ना यहाँ पे, फिर रिव्यू उसके ज़रूर देना। अभी मेड को बुला के ज़रा किचन की सफाई भी कराएंगे, क्योंकि सुबह नाश्ता भी बनाया था, अब रात का खाना बनाया है, तो इसलिए खोलो, आओ ज़रा, आओ आओ आओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ठीक है, आ तरी आ गई है, आए हाय हाय हाय, अभी इधर टेस्ट भी तो करके देखो। एक मिनट दूसरा चम्मच लेना, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, उठा लो उठा लो, साइड से उठाना। सही है या नहीं, अभी चमड़ी सी मार रही है। चलो अब जो है ना इसके लिए बस हमने गार्निश के लिए यहाँ पे मैंने काट लिया था अदरक, हल्का सा वो अदरक जो है ऊपर स्प्रिंकल करते हैं और फिर खाना शुरू करते हैं। अगर कोई ये देख के बनाए तो थोड़ा सा प्याज हमने कम डाल दे, नहीं हमारा प्याज परफेक्ट डला हुआ, थोड़ा आ रहा है टेस्ट आ रहा है सारा, क्या किस चीज का प्याज, हो सकता है ऊपर नीचे हो जाता है, वो बस कुछ डाल, नहीं मैं डालता हूँ, ठहरो ठहरो यहाँ पे भाई मुझे व्लॉग बनाना याद नहीं रहा, इस बंदे ने जो है ना कहा भाई व्लॉग तो बना दो रोगनी नान के साथ बोनलेस हांडी, बहुत आला कॉम्बिनेशन। हाँ जी भाई बताओ, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं कोई रेटिंग तो दो, फुल मार्क्स। नहीं कुछ तो कोई कमी पेशी, नहीं नहीं कोई भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मजाक के अलावा सीरियस बात, अब इस बात पे आप मुझे रात को आइसक्रीम खिला रहे हो, आए खुद खाओगे? बस यही तो बात है, जब खुद की खिलाने की बारी आती है तो खुद नहीं खाना है इसने। खैर अभी हम खाना ख़त्म करते हैं, यहाँ पे जो है व्लॉग चल रहा है वो देखते हैं, फिर आप लोगों से ना बाद में हम लोग बातचीत करेंगे।